हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मिनट, ये एक और नई वीडियो, ये एक और नया दिन, ये है मेरा चैनल। और बता दूं आपको, हम आए हैं ऋषिकेश। जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी डाला है कि हम ऋषिकेश आए हैं। कल आए थे हम दोपहर में, हमने किया लंच यहाँ पर। कैसी ये जगह फेमस हुई ऋषिकेश के अंदर, जहाँ ये टाइगर एस्टेट प्रॉपर्टी है, तो मैं आपको बता दूँ। सामने अगर आप देख पाएँ, ये ग्रीन कलर का जो ये ब्रिज है, इसके ऊपर जाएंगे अगर आप, तो इंडिया का हाईएस्ट बंजी जंपिंग पॉइंट है, जिसका नाम है जंपिंग हाइट्स। एक एक महीना उसकी एडवांस बुकिंग चलती है। और यार, सुबह होते ही आ गई हमारी चाय। कॉमन लोकेशन पे इन्होंने चाय रख दी है, आराम से लीजिए। और ये बहुत अच्छी चीज़, अच्छा जेस्चर है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना। अगर आपको स्पेशली चाय चाहिए, सुबह 6:30 बजे ही चाय बना के इन्होंने यहाँ रख दी है, और इसको ये थोड़ी थोड़ी देर में गर्म करके भरते रहते हैं इसको, ताकि आप चाय पी सकें। बहुत ही अच्छा जेस्चर है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ वो हमारा जो रूम, जो कि एक बिल्कुल कैंप की शेप, हट की शेप में है। तो ये हट शेप में जो कैंप है, हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, लोग नॉर्मली नोशन होता है कैंप के नाम से, लोग सोचते हैं वो टर्पोलिन के वही ट्रायंगुलर कैंप्स, बट ये बहुत ही अच्छे कैंप्स हैं, वुडन पूरे बने हुए हैं। और दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको ये जो पे वॉशरूम एरिया है, और तो ये हमने अभी थोड़ा यूज़ कर लिया था, बहुत ही साफ सुथरा। देखिए, गीज़र की फैसिलिटी है यहाँ पर, और बहुत ही अच्छा है यहाँ पर, क्लीन एकदम, डस्टबिन वगैरह सब रखा हुआ है, अच्छे वॉशरूम्स हैं। और मैं आपको बता दूँ, ऑल्दो यहाँ पर ठंडा ही मौसम रहता है, लेकिन फिर भी कभी ह्यूमिड होता है, तो इन्होंने एसी भी यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। फॉल सीलिंग रूम में, बहुत ही प्यारी, अच्छी लग रही है देखने में। और आप अपने रूम से ही बाहर का व्यू ले सकते हैं इस कर्टन को हटाकर। बता दूं, ये ग्लासेस, टिंटेड ग्लासेस हैं, बाहर से नहीं दिखता अंदर का, अंदर से आप बाहर देख सकते हैं, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। अंदर से बैठे बैठे आप बाहर का व्यू ले सकते हैं अपने रूम कम्फर्ट से, इज़ अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस वन कैन हैव। अगर आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ, सामने वो है रिवर फ्रंट एरिया, जहाँ पे नीचे हम रिवर साइड में जा सकते हैं, पर दोपहर में तो नहीं जा पाते क्योंकि हम कल थोड़ा सा लेट आए थे, फिर हम लंच करने लगे, उसके बाद बारिश शुरू हो गई थी 4:00 से, तो हम वो तो नहीं कर पाए, नीचे तो नहीं जा पाए, मिडनाइट बारिश बन रही थी, और उस वक्त तो कोई पॉइंट नहीं था मिडनाइट अंधेरे में जाने का, क्योंकि इट्स नॉट सेफ कि आप नदी के पास जाएं रात को, तो कभी पानी का फ्लो बढ़ सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। आज जाएंगे। तो ये है वो प्रॉपर्टी जहाँ रह रहे थे, यहाँ पे हमने, ये है दोस्तों वो प्रॉपर्टी जहाँ हमने स्टे किया, टाइगर एस्टेट। ये देखिए नीचे का व्यू है इनका, यहाँ से यहाँ पे गाड़ियाँ लगाने की प्रॉपर पार्किंग है। और अभी हम जा रहे हैं नीचे रिवर एरिया में, दिखाते हैं आपको, पास से जाके दिखाते हैं, बस जाएंगे, ये है रास्ता। तो दोस्तों, ट्रेन थोड़ा सा रफ है, पर ध्यान से आप पीछे जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो देखिए, ये ट्रैक थोड़ा सा यहाँ पे है, नीचे आने में थोड़ा सा है, ऊपर नीचे का रास्ता है। आइए आइए, बहुत बढ़िया, आइए। रास्ता जो जा रहा है रिवर एरिया की तरफ। तो इस बार कैसा लग रहा, सुबह उठ के जा रहे हैं हम नीचे रिवर एरिया में, सवेरे उठ के जो एक अलग ही अनुभूति हो रही है, सवेरे सवेरे यारों से मिल गए। चला रहे थे तुम तो, चला रहे थे स्पीकर, अरे यार स्पीकर उठाया भी था हमारे, क्या वो लाऊं? नहीं, अब क्या लाऊंगे, पागल हो क्या? पीछे हमारा अकोमोडेशन, और ये हम जा रहे हैं रिवर एरिया की तरफ। देखिए तो उसके पास आ गए दोस्तों, आ गए हम रिवर एरिया में यार, बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ पे। और दूर वो पीछे हमारी कॉम्पिटिशन है, बहुत पीछे रह गई है, तो अभी हम पैदल आए हैं यहाँ से चलकर। देख सकते हैं पत्थरों वाला टेरेन है, थोड़ा सा ध्यान से चलिए यहाँ पे अगर आप आए तो। अभी हम यहाँ आ चुके हैं, और पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरे पीछे वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है, कंस्ट्रक्शन नहीं है, काइंड ऑफ यहाँ पे बन रहा है बालू रहता जो घर में यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन में, वो बनाया जा रहा है यहाँ पे पानी में से निकाल के, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, जा रहे हैं हम पानी के अंदर, ये देखिए वो ये सामने से आ रही है नदी बहती हुई, मतलब नदी तो नहीं है इसको कह सकते हैं, ट्रिब्यूटरी है, और हम इसके अंदर जा रहे हैं। बहुत ठंडा पानी है, आई वुड से बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है, पहले रात को बारिश हो गई थी और उसके बाद अब पानी बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है पैरों में, अमेजिंग। आ गए हम,
खा रहा हूँ आपको अपनी चप्पल ये बता देता हूँ, एक्चुअली मैं भूल गया था अपनी स्लीपर्स लाना, तो यहाँ के जो ओनर है उन्होंने मुझे अपनी स्लीपर्स दे दी कि आप जाकर होके आइए नीचे रिवर एरिया में। तो दोस्त आप आ गए हैं पानी के बीचों बीच और बहुत मज़ा आ रहा है, पानी के बिल्कुल बीच में खड़े हैं। पानी आपको मैं बता नहीं सकता, इतना ठंडा ऐसा लग रहा है, लिटरली बर्फ मेल्ट, जो बर्फ होती है पर वो पहाड़ों से मेल्ट होकर नीचे आ रही है, लिटरली ऐसा लग रहा है। तो बहुत ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे जिससे ऐसा ना हो कि ठंड लग जाए और पूरा ट्रिप ख़राब हो जाए। तो बस अभी बाहर जाते हैं, पानी से इंजॉय किया, मज़ा आया। ये देख सकते हैं मेरे पीछे कहाँ से आ रहा पानी और ये जा रहा पीछे, अमेजिंग। भाई यहाँ रिवर एरिया में आके अकोमोडेशन में बैठे हुए बोर हो रहे थे, बहुत बढ़िया लग रहा है, एक अलग ही अनुभूति हो रही है। और यहाँ पे हमें कैसा फील हो रहा है ये तो आपको यहाँ आके ही पता चलेगा। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बोली, कैमरा में वो चीज़ कैप्चर नहीं हो पाती। और मैं देख रहा हूँ आप बहुत फन कर रहे हैं पानी के अंदर, मज़ा आ रहा। ठंडा है पानी, कितना ठंडा है? हाँ ठंडा है और लेकिन सहने लायक है, ऐसा नहीं आपको चुभेगा। अच्छा। बर्फ का पानी पी के एकदम से गले को चुभता है वैसा नहीं, वैसा नहीं है ना, मतलब थोड़ी देर खड़े रहेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा ना। हाँ ठंडा है और बढ़िया लग रहा, पहले इंजॉय करते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मंदिर के अंदर आ गए, मंदिर के अंदर। हाँ वही डिसकंटेंटमेंट मिल रहा है अंदर से, मन को खुशी हो रही है। तो बस ऐसे ही मौज मस्ती करते हुए हमने बहुत इंजॉय किया, उसके बाद हम नीलकंठ मंदिर पे गए ड्राइव करके ऊपर, जो यहाँ से 18 किलोमीटर ऊपर है, और प्रॉपर अंदर दर्शन करके आए हम। और उसके बाद हमने करी राफ्टिंग प्रॉपर नदी में जाके, अच्छे से हमने बड़ा वाला नॉर्थ से 16 किलोमीटर का ट्रैक पूरा किया। तो सब कुछ दिखाने वाले अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में, उन वीडियोज़ के लिए आप चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक, ऐसे ही हमें इंकरेज करते रहे एंड कीप स्माइलिंग। बाय।